तो अपनी राजनीति चमका रहे, हमारी खत्म। नहीं नहीं, पानी आप लगवाओगे, कमी की जिम्मेदारी किसान भरेगा। कमी कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगा, मत तो आपके पास लगाओ। नहीं चोर होगा, किसान को 10% मिलेगा। बोलिए आप बताइए, कितने बोलो कानून का। देखिए, अरे नहीं बैठा नहीं बैठो, कि आप हमारी बस्ती में बैठे हो, हम आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि आप वर्तमान में विधायक हो। लेकिन मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, एक विधायक एक सांसद के उन आगे पीछे में घूमने वाले लोगों से कि जो विधायक और सांसद की गरिमा को उसके साथ रहकर घुन की तरह खा रहे हैं, कृपया घुन की तरह खाना छोड़ दें। किसी पर अभद्र टिप्पणी ना करें, कहीं जवाब देना पड़ सकता है हमें। भाइयों, किसानों की मांग, एमएसपी की मांग जायज नहीं। 100 के बाद भी अगर कोई परसेंटेज है तो वो जायज है। आप हमारी ये बात देखिए, हमें काले कानून भूरे कानून की लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने उनको 3-1.5 वर्ष के लिए निलंबित किया हुआ है। इतने कमजोर हम नहीं है कि हम अपनी लड़ाई ना लड़ सकें। एमएसपी वाली बात, एमएसपी हमको नहीं मिल रही है। आप ये हमारी बात देखिए, मैं दोनों तरफ की बात सुनिए। देखिए एमएसपी चल रही है, एमएसपी लागू है। पहले गेहूं का रेट भी बढ़ाया, धान का रेट भी बढ़ाया, और दाल का रेट भी बढ़ाया, ज्वार का भी बढ़ाया, बाजरे का भी बढ़ाया, मक्का का भी बढ़ाया, रेट तो सबका बढ़ाया। एमएसपी खत्म का करिए, एमएसपी खूब चल रही है। हमारी जो मांग है जनता, ये देखिए, ये हमारे भाई है, हमारी हम आपकी जनता है। आपसे केवल इनका इतना अनुरोध है कि आप एमएसपी को माननीय मुख्यमंत्री जी तक, आप जो कह रहे थे कि मैं डांटिया हूं, तो ये जनता की आवाज है कि आप इनकी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दें कि जनता एमएसपी चाहती है। गलत तो नहीं है भाई विधायक जी? और वो मैं माननीय पिछली सरकारों से मिला के देखो, हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा खरीदा है, पिछली सरकारों से दुगना खरीदा है। पिछली सरकारों से देखो भाई, हमारी सरकार ने हर चीज किसान की दुगनी खरीदी है पिछली सरकारों से मिला लो। एमएसपी बंद करिए, पिछली सरकारों में पेमेंट भी नहीं होता था गन्ना का, हमारी सरकार ने हमारी सरकार में गन्ने का पेमेंट फर्स्ट क्लास हो रहा है एकदम। पहली सरकार में गन्ने का पेमेंट नहीं होता था, गेहूं का पेमेंट नहीं होता था। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो आज किसान हित में, किसान हित में गा रही है। पहले तो गन्ना में पेमेंट भी नहीं मिलता था गन्ने का, गलत बात है आपकी। लेकिन हमारी सरकार है गन्ना का पेमेंट टाइम टू टाइम कर रही है, गन्ने का पेमेंट टाइम टू टाइम भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है। आप अपनी बात रखिए, बात बताइए। चलो चलो।
बीजेपी सुनो, अभी तो व्यक्तिगत नारा एक भी लगाया नहीं है विधायक जी, व्यक्तिगत एक भी नारा आपका लगाया नहीं है। पार्टी का या पार्टी का बस सरकार का भाई मानने हो, सुनो तुम पर्ची भी मानने हो भाई भी मानने हो, सरकार का विरोध करेंगे, ये ना सरकार का विरोध आपको ना कर रहे हैं, सरकार विधायक हमारा भाई है, तुम कुछ चीजें तो मुझे तुम वैसे ही बता दो, अभी आपके हमारा भाई विधायक कहते तुम तो अपनी राजनीति चमका रहे, हमारी खत्म राजनीति है ना, आप लोग कह रहे हैं एमएसपी लेकर आ रहे हैं, हाँ जवाब करो, हम ब्लॉक पर विरोध दर्ज कराने गए थे, आप वहाँ से भाग गए थे, आपने एक भी दिन हमसे संपर्क साधने की कोशिश करी, हमारे किसान परेशान है, आज आप कह रहे हो हम तुम्हें लिख के दें, हम किसान लिख के देंगे, इतने पढ़े लिखे होते तो हम अपने ना चुन लेते, कहिए अपने चुन गए, हम आप चुन गए, सुन गए हमने गलत करी है, आप होते तो हमारे बीच में आए, अब जो तुम आज अभी आके मुझे कोई नॉर्मलता से कोई चीज दो, तुम्हारी बात को पहुँचाऊंगा, मगर तुम इसलिए कोई तरीका नहीं है, कोई दवा जिंदाबाद आपको हर काम आपके साथ हम आप पाकिस्तानी सभी आतंकवादी सब आए वहाँ से भगा दिए जहाँ किसान पाकिस्तानी सरकार के प्रोपोगंडा ऐसे चल रहे हैं, बहुत बुरा जवाब, ये बताया डकैती कितनी डकैती कर दी है लोगों ने, इनका क्या था, सरकार ने एमएसपी देने में क्या गुनाह है, धैर्य देखिए ये जनता की मांग है, विधायक जी ना तो एमएसपी बंद हो रही, एमएसपी बकाया चल रही है, ना मंडी बंद हो रही, मंडी चल रही है, अब सुनो अब मैं सबको सुनाऊंगा, अब तो एक मिनट सुन लो, अब मेरी बात सुन लो, एक सेकंड अब एक सेकंड सुन लो, अब मेरी बात एक सेकंड सुन लो, अब एक मिनट मेरी बात सुन लो, हमारी सरकार ने क्या किया है कि जो यहाँ पर उद्योग लगने वाले हैं, जो इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारत मुर्दाबाद नहीं चलेगी मुर्दाबाद नहीं चलेगी मैं बाहर से आए हुए जो हमारी ही ग्राम सभा के भाई हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं, आए और वो बैठे अपना स्थान ग्रहण करें।
खड़े हैं विरोध में, विरोध में आप बैठने लायक। ये संविधान हमारा जो देश है संविधान से चल रहा है, संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि अगर कहीं किसी बात का विरोध होता है तो वो नियमपूर्वक साजिदा से अपना विरोध व्यक्त कर सकते हैं। ये एक संविधान की धारा है। खैर अभी विधायक जी बोल रहे थे, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने भाइयों का स्वागत करूं और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करूं। आइए अब बैठिए। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमर रहे भाइयों, चुप ले जाओगे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। देखिए हम सभी पहले किसान हैं, ऐसा नहीं कि आप ही किसान हैं, किसान हम भी हैं, किसान सभी किसान हैं। जो गांव में रहता है वो किसान और मजदूर ही है, और हम अपनी शालीनता से अपनी बात रखने के लिए अरे आपकी पोस्ट किया था शेयर तो आप ही करते हो ना। गलत काम आप अमर रहे, अमर रहे बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। बात ये नहीं, क्या बात कर रही है आप? विधायक मोदी लोड है, मोदी लोड है, जाना विधायक। यहाँ आपका कोई काम नहीं है। आज तक मालिक ने किसान का ट्रैक्टर लेने को डाला, बहुत अच्छा लगा। इनके जो कार्यकर्ता है आग जलाने को काम करना क्षेत्र में, तू अदालत से शेयर करता हूँ, जो शेयर करते हो आतंकवादी है। आप किसान हो, आप किसान हो, सबक सीखो। आलो सीओ के पद पर है, मैंने ये जानकारी नहीं है। साहब कह रहे हैं आप किसान हो, आप फोटो खिंचवाने के शौकीन हो, जब विधायक के बराबर बैठे हो। ये हमारा आदमी है, क्या क्या बता रही है बीजेपी हमको बता। हमारे आपसे आपको अच्छे आदमी बैठे खड़े, आप बैठो, आप हमारे बीच का आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो, आप बैठो। आपने सरकारी कर रही है, हमारी देश बात अच्छी ना, हम गलत मांग कर रहे हैं, हम बाहर से आए हैं, हम ट्रस्ट आ रहा हूँ। कोई ये तो बात आपकी सब कोई तुम्हारी कुछ नहीं बोलना, तुम्हारी कोई बात है तो तुम मुझसे पास रखो, मैं तुम्हारी पास पहुँचाऊँ। मैं तुम्हें डर दिया हमारी बात में आप चलेगी, हमारी बात पहुँचाई है और जो आपके कार्यकर्ता है आदरणीय राजपाल सिंह जी, इन्हें द्वारा व्यक्तिगत रूप से बता दो। इनके कोर्ट टोटल खोलो, फेसबुक पर टोटल इनका अकाउंट खोलो, खोलो कहाँ के स्थित है, तुमसे अलग जगह है, खदेड़ दिए जाओगे, ये नहीं कोई बचाने वाला कर रही। तो विधायक जी की बस मेहरबानी हमारी है, आदरणीय विधायक जी की बस। विधायक जी गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, विधायक जी गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। इंद्रपाल सिंह आए हुए हैं भैया, अगर किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत टिप्पणी किसान के विरोध में की है तो जायज नहीं, वो गलत। मैं स्वयं कह रहा हूँ उस बात को। हाँ, जब यहाँ विधायक भी आए हुए हैं, अगर आपको विधायक जी से कोई परेशानी है तो वो है यहाँ, माइक बंद है, आप शांतिपूर्वक इनसे अपनी बात कह सकते हैं। सुननी पड़ेगी, आपकी सुनो, मैं जनप्रतिनिधि हूँ,
आपका आशीर्वाद हुआ है, आपके आशीर्वाद से ही ये सरकार आप लोग कह रहे हो एमएसपी लेकर आ रहे हैं। बताओ, हाँ तो हम ब्लॉक पे विरोध दर्ज कराने गए थे, आप वहाँ से भाग गए थे। आपने एक भी दिन हमसे संपर्क साधने की कोशिश करी, हमारे किसान परेशान है। आज आप कह रहे हो हम तुम्हें लिख के दे, हम किसान लिख के देंगे, इतने पढ़े लिखे होते तो हम अपने ना चुनने तक आइए, अपने चुन गए हम, आप चुन गए, चुन गए हमने, आप होते तो हमारे किसान अब जो तुम आज अभी आ गए, मुझे कोई नॉर्मलता से कोई चीज दो, तुम्हारी बात को पहुँचाऊंगा, मगर तुम इसलिए कोई तरीका नहीं है, कोई दवा जिंदाबाद। तो आपको हम आप ना बस हम लेकर आ देंगे, आप अपने आप किसान दिल्ली से आएंगे, पाकिस्तानी सब आतंकवादी सब आए, वहाँ से भगा दिए जा किसान, पाकिस्तानी सरकार के प्रोपोगंडा ऐसे चल रहे हैं बहुत बुरा जवाब। ये बताओ पद पर रहकर कितनी डकैती कर दी है लोगों ने, उनका क्या था? सरकार ने सही देने में क्या गुनाह है? धैर्य देखिए, ये जनता की मांग है विधायक जी, ना तो एमएसपी बंद हो रही, एमएसपी पर कार्य चल रही है, ना मंडी बंद हो रही, मंडी चल रही है। अब सुनो, अब मैं सबको सुनाऊंगा, अब मैं एक मिनट सुन लो, अब मेरी बात सुनो, एक सेकंड, अब एक सेकंड सुन लो, अब मेरी बात एक सेकंड सुन लो, अब एक मिनट मेरी बात सुन लो। हमारी सरकार ने क्या किया है कि जो यहाँ पर उद्योग लगने वाले हैं, जो इस उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भारत के चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।